न्यूजीलैंड के सामने T20 सीरीज की शुरुआत होते ही टीम इंडिया के लिए आई एक और खुशखबरी। खुद कप्तान रोहित भी हैरान, जिसे डेब्यू के बाद 3 सालों तक टीम से दूर रखा, उसने विश्व रैंकिंग में रच दिया इतिहास। नंबर 1 की रैंक पर टीम इंडिया के साथ ही नंबर 1 रैंक पर पहुंच गया हमारा ये गेंदबाज, तो शुरू हुई पार्टी। भारतीय क्रिकेट फैंस के लिए 3 दिन में तीसरी सबसे बड़ी खुशखबरी आई है। न्यूजीलैंड के खिलाफ 3-0 से क्लीन स्वीप करने पर टीम इंडिया दुनिया की नंबर 1 वनडे टीम बन गई थी। अगले ही दिन सूर्य कुमार यादव को 2022 का सर्वश्रेष्ठ T20 बल्लेबाज का अवार्ड मिला और तीसरे दिन टीम इंडिया के एक और खिलाड़ी को सबसे बड़ा ताज मिल गया है। मोहम्मद सिराज दुनिया के नंबर 1 वनडे गेंदबाज बन गए हैं। ताजा रैंकिंग में सिराज को 729 पॉइंट्स हासिल हुए हैं और वो पहले स्थान पर पहुंच गए हैं। ऑस्ट्रेलिया के जोस हेजलबोर्ट 727 पॉइंट्स के साथ दूसरे स्थान पर हैं। वहीं न्यूजीलैंड के ट्रेंट बोल्ट 708 पॉइंट्स के साथ तीसरे नंबर पर बने हुए हैं। सिराज को लेकर सबसे बड़ी बात यह है कि उन्होंने 2019 में ही टीम इंडिया में अपना डेब्यू कर लिया था। अपने पहले ही मैच में ऑस्ट्रेलिया के सामने उनकी खूब कुटाई हुई थी। मैच के सबसे महंगे गेंदबाज वो साबित हुए थे, जिसके बाद 3 सालों तक टीम में उन्हें खेलने का मौका नहीं दिया गया। मोहम्मद सिराज अब तक 21 वनडे मैच खेल चुके हैं और 38 विकेट झटक चुके हैं। सिराज को अपना पहला वनडे खेलने के 3 साल बाद दूसरा वनडे खेलने का मौका मिला। सिराज ने 15 जनवरी 2019 को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ एडिलेड मैच में वनडे में डेब्यू किया था। इस मैच में सिराज को विकेट नहीं मिला था और इसके बाद उन्हें दूसरा वनडे मैच खेलने का मौका 6 फरवरी 2022 को मिला। इसके बाद उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। अब वे विश्व के नंबर 1 वनडे गेंदबाज बन गए हैं। ये न केवल उनके लिए बल्कि टीम इंडिया के लिए भी बहुत बड़ी उपलब्धि है। बुमराह के चोटिल होने के बाद भी टीम को उनकी कमी नहीं खल रही और सिराज के साथ साथ अन्य गेंदबाज लगातार कमाल दिखा रहे हैं। मोहम्मद सिराज को ICC की 2022 में वनडे टीम ऑफ द ईयर में भी जगह मिल गई है। इस टीम में उनके अलावा मिडिल ऑर्डर बैटर श्रेयस अय्यर को भी शामिल किया गया है। इसके साथ ही बल्लेबाजी में जोरदार फॉर्म में चल रहे शुभमन गिल अब वनडे में सबसे ऊंची रैंकिंग वाले भारतीय खिलाड़ी बन गए हैं। पिछले 4 वनडे में 3 शतक जमाने वाले गिल 734 पॉइंट्स के साथ 6ठे स्थान पर पहुंच गए हैं। उन्होंने 20 स्थानों की छलांग लगाई है। वहीं विराट कोहली 727 पॉइंट्स के साथ 7वें और कप्तान रोहित शर्मा 719 पॉइंट्स के साथ 9वें नंबर पर बने हुए हैं। पाकिस्तान के कप्तान बाबर आजम 887 पॉइंट्स के साथ पहले स्थान पर काबिज हैं। मोहम्मद सिराज की इस उपलब्धि पर आप क्या सोचते हैं, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, मीडिया हलचल।